मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। आए नजर डाले आज के दिन तारीख के आईने में। हिंदुस्तान और अलमी तारीख में 3 जून के चंद अहम वाकयात, कब और क्या हुआ। 3 जून 1901 ज्ञानपीठ अवार्ड के पहले फतेह महाकवि जी शंकर को रूप की पैदाइश हुई। 3 जून 1915 बरतानी हुकूमत ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड के लकब से नवाजा। 3 जून 1918 महात्मा गांधी की सदारत में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का इनकाद किया गया। 3 जून 1924 तमिलनाडु के 5 बार के वजीर आला रहे एम करुणानिधि की पैदाइश हुई। 3 जून 1930 हिंदुस्तान में तारीखी रेल हड़ताल कराने वाले साबिक वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस की पैदाइश हुई। 3 जून 1947 बरतानी हुकूमत में हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटेन बैटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान किया। 3 जून 1959 सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट करार दिया गया। 3 जून 1972 मुल्क का पहला जदीद जंगी जहाज़ नीलगिरी को हिंदुस्तान की उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने पानी में उतारा। 3 जून 1974 बिहार के वजीर आला और मुजाहिद आज़ादी कृष्ण बल्लभ सहाय का इंतकाल हुआ। 3 जून 1985 हुकूमत हिंद ने 5 रोज़ा वर्किंग डे हफ्ता शुरू किया। 3 जून 1999 होवर क्राफ्ट तैयारा के मौजूद क्रिस्टोफर कॉकरेल का इंतकाल हुआ। 3 जून 2004 कैन फ्रॉड 2004 में नासा के खलाई रिसर्च पैनल के रहनुमा बने। 3 जून 2005 फ्रांस ने सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान के दावेदारी की हिमायत का अदा किया। 3 जून 2014 उस वक्त के मरकजी वजीर गोपीनाथ मुंडे सड़क हादसा में हलाक हुए। बस अब तक के लिए इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।